स्पॉन्सर्ड बाय सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक लाया है उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के लिए तोहफा, जिसके अंतर्गत नए एवं पुराने व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को MSME स्कीम के तहत आसानी से ऋण दिया जाता है। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए नजदीकी सिंडिकेट बैंक शाखा से संपर्क करें। शर्तें लागू। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार, और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों का। कर्ज की समस्या से जूझ रहे पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका देते हुए फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान पहले से ही FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल था। भारत और अमेरिका के बीच आज द्विपक्षीय 2+2 अंतर व्यावसायिक बैठक कैलिफोर्निया के मोंटेरी में हुई। इस दौरान क्षेत्रीय विकास पर चर्चा करने के साथ ही एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी खोज को आगे बढ़ाने पर दोनों देशों ने सहमति व्यक्त की। फ्रांस के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वहां रिफॉर्म्स, परफॉर्म्स और ट्रांसफॉर्म का नारा देते हुए कहा कि देश चल पड़ा है और अब अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा। PM ने आगे कहा कि नए भारत में थकने और रुकने का कोई काम नहीं है। INX मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने पी चिदंबरम को 26 अगस्त तक ED की गिरफ्तारी से राहत देते हुए सोमवार को मामले की सुनवाई की बात कही। भारत सरकार ने देश की सबसे लंबी पर्वत चोटी कंचनजंगा को एक बार फिर से विदेशी पर्वतारोहियों और ट्रैकिंग करने वालों के लिए खोल दिया है। कंचनजंगा के साथ ही 136 और चोटियों को भी सैलानी के लिए खोल दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले का प्रभाव यह होगा कि अब विदेशी पर्वतारोहियों को सीधे गृह मंत्रालय से ही स्वीकृति लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को राम मंदिर मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल बढ़ाने के लिए आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज राहत का ऐलान कर सकती हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देश के 4 बड़े सेक्टर्स के लिए राहत पैकेज की घोषणा हो सकती है, जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर, MSME, रियल एस्टेट, बैंक और NBFC को लेकर ऐलान होने की उम्मीद है। दिवालिया हो चुकी एविसन कंपनी जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल के घर और दफ्तर पर ED की छापेमारी हो रही है। आपको बता दें कि 18,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड के मामले में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जांच कर रहा है। इससे पहले गुरुवार को नरेश गोयल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका वापस लेने की अर्जी लगाई थी। मुस्लिम समुदाय में 3 तलाक को गैर कानूनी करार देने वाले कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने के लिए सहमत हो गया है, और इसी के मद्देनजर कोर्ट ने 3 तलाक पर लागू किए गए नए कानून पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर प्रतिक्रिया मांगी है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी और कहा कि जन्माष्टमी पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन और गीता के संदेश को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मिड डे मील के दौरान बच्चों को रोटी और नमक परोसने का मामला सामने आने के बाद CM कार्यालय ने सख्ती दिखाते हुए इस पूरे मामले पर नजर रखने के लिए शासन के अधिकारियों को निर्देश दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने बेसिक शिक्षा विभाग से पूछा है कि अब तक क्या कार्रवाई की गई है। बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि वे पिछले कुछ दिनों से फरार चल रहे थे और बिहार पुलिस उनकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही थी। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने राज्य में मीसा बंदियों की पेंशन को एक बार फिर से शुरू कर दिया है, जिसके तहत पहली किस्त में 2000 से ज्यादा मीसा बंदियों के लिए पेंशन जारी किया गया। खास बात यह है कि कांग्रेस ने ही सत्ता में आते ही इस पेंशन पर रोक लगा रखी थी। आपको बता दें कि मीसा बंदियों में पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं। राजस्थान में दिनों दिन बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर BJP ने प्रदेश भर में हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस कड़ी में भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि अगर सरकार ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाए तो BJP अपना प्रदर्शन जारी रखेगी। घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की जारी निकासी के कारण आज शुरुआती कारोबार में रुपया गिरकर 72 रुपए प्रति डॉलर के स्तर के नीचे आ गया।
कर्ज के तले दबी सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के ऊपर 3 तेल विपणन कंपनियों का करीब 4500 करोड़ रुपए बकाया है। यह जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तेल कंपनियों के बकाये का भुगतान 7 महीने से नहीं हुआ है, जिसके चलते तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति रोकने को बाध्य होना पड़ रहा है। अगर आप भी डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ज्यादा पानी पीने को तवज्जो देते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक नई स्टडी में यह दावा किया गया है कि बहुत ज्यादा पानी पीने से भी डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। विशेषज्ञों ने कहा है कि दिन में 2 से 2.5 लीटर लिक्विड पर्याप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने गहन सुरक्षा समीक्षा के बाद पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले भारत के डेविस कप मैच को नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है, लेकिन मौजूदा असाधारण परिस्थितियों के बावजूद आयोजक स्थल के रूप में इस्लामाबाद को बरकरार रखा गया है। फिल्म मिशन मंगल की अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी ने 3 तलाक मामले में सरकार के फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि पवित्र कुरान के नियमों का गलत फायदा उठाकर कुछ लोगों ने 3 तलाक का मजाक बना दिया है। पाकिस्तान में शो करने को लेकर बैन किए गए सिंगर मिका सिंह का समर्थन करते हुए कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी टीवी की अंगूरी भाभी यानी कि अभिनेत्री शिल्पा शिंदे ने कहा कि ये इंडस्ट्री में जो बैन शब्द का इस्तेमाल होता है वो बकवास है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो चल रहा है, हमें वीजा मिला, हम गए, हमारी दोस्ती है, हम बिल्कुल निभाएंगे। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सके अपडेट।